अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत इनेलो पार्टी से करने वाले और पार्टी के कैडर के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले अशोक अरोड़ा ने सोमवार को भारी मन से इनेलो पार्टी को अलविदा कह दिया और इनेलो छोड़ने की घोषणा करने से पहले अशोक अरोड़ा ने आंखों में आंसू लेकर जब मन से घोषणा की वह इनेलो छोड़ रहे हैं तो उनकी आंखों में आंसू थे। अशोक अरोड़ा ने कहा जो इज्जत मान सम्मान उनको इनेलो पार्टी में मिला उसकी कीमत वह चुका ही नहीं सकते और यह निर्णय उनके लिए बहुत कठिन है, पर जो हालात चल रहे हैं उसके चलते उन्हें कोई ना कोई निर्णय लेना होगा। चलिए आगे आपको दिखाते हैं अशोक अरोड़ा ने क्या कहा। जिस घर में अपने घर से ज्यादा सम्मान मिला, जिस चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने अपने दोनों बच्चों से ज्यादा प्यार अशोक अरोड़ा को दिया और जिस पार्टी को चौधरी देवीलाल ने गोदा लगाया और हम सब ने सारे कार्यकर्ताओं ने खून से सींचा हो, मुझे नहीं पता लोग कई कई बार पार्टियां कैसे बदल लेते हैं, परंतु आज सिर्फ और सिर्फ थानेश्वर हल्के की जनता के लिए मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होगी, उस पौधे को जिसने हमें सींचा था आज छोड़ना पड़ा, उस चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जिसने हमें प्यार से भी बच्चों से ज्यादा प्यार दिया, जिसकी वजह से मैं मान सकता हूँ कि आज अगर वो जेल काट रहे हैं तो कार्यकर्ताओं की वजह से काट रहे हैं, जिनकी वजह से आज थानेश्वर हल्के के 1000 से ऊपर बच्चों को रोजगार मिला। आज भी थानेश्वर के बहुत गस्टिड बच्चे ऐसे हैं जो एसटीओ से एक्शन कर रहे हैं, जो डीटीसी लगे, प्रिंसिपल लगे, डीओ लगे, ये सब उनके समय में यहाँ रोजगार मिला, परंतु क्योंकि आज परिस्थितियाँ ऐसे राजनीतिक परिस्थितियाँ देश और प्रदेश में बदलती है, आज देश की राजनीति जो है वो केवल और केवल राष्ट्रीय पार्टियों की ओर बढ़ और लोगों के लिए कुरुक्षेत्र के विकास के लिए मैंने आज अपनी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल से इस्तीफा दिया है और मैंने कार्यकर्ताओं को कहा है, उनसे अनुरोध किया कि आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया, जो 30 साल 35 साल के राजनीतिक कैरियर कुरुक्षेत्र की जनता का और विशेष रूप से कार्यकर्ताओं का साथियों कि जिन्होंने विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में 15 साल विपक्ष में रहने के बावजूद जिस मैंने कार्यकर्ता से फोन किया क्या मीटिंग में आना, उस कार्यकर्ता का जवाब था आप कहीं भी जाएंगे हम आपके साथ हैं, और उन लोगों की वजह से आज एक नई पारी खेलने जा रहा हूँ जहाँ मैं आपका सहयोग मांगता हूँ, जहाँ मैंने कार्यकर्ताओं से आशीर्वाद मांगा, मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से माफी भी मांग के आऊंगा उनका आशीर्वाद। अर्थ प्रकाश के लिए कुरुक्षेत्र से कुलदार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।